ये बात आप जिम्मेदारी से कह रहे हैं? देखिए, कांग्रेस संबंधित कुछ इलाके थे जहां से वोट परसेंटेज गिरा, क्योंकि हम धरातल पे कार्य करते हैं, और उन लोगों में जो समस्या है वो ये थी कि उनका कहना था, तो निश्चित रूप से हमारे कार्यकर्ताओं ने उनसे भी प्रयास करा कि लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए आप जिसको भी चाहते हैं, जिसको भी वोट देना चाहते हैं, जो विकास कर सकता है, निश्चित रूप से आप निकल कर वोट करिए। और उसी का असर अभी जो अभी लगभग 6-7 सीटों पर जो चुनाव होगा, निश्चित रूप से उन क्षेत्रों में भी कार्य किया गया है जो लंबे समय से कांग्रेस समर्थित क्षेत्र थे, उन क्षेत्रों में भी हमारे कार्यकर्ताओं ने जाकर निवेदन, प्रतिवेदन, आवेदन उसके बाद में प्रेम व्यास की बात का कार्य किया। ये कह रहे हैं कि लोग आश्वस्त हैं कि आएगी मोदी सरकार, इसलिए शायद इसलिए भी लोग थोड़ा सा आश्वस्त नजर आ रहे हैं और वोट करने नहीं जा रहे हैं। देखिए, मैं इस टिप्पणी को बहुत गंभीर टिप्पणी मानता हूं, अच्छी टिप्पणी नहीं मानता। मेरा यह मानना है कि कोई भी आए, कोई भी जाए, लोकतंत्र में मतदान बहुत आवश्यक परंपरा है और ये होनी चाहिए। अगर ये कहकर और ये जिस तरह से अंधभक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। दूसरी बात, देखिए आज देश में जिस तरह का वातावरण है, जिस तरह की परिस्थितियां हैं, चाहे शिवसेना हो, राकेपा हो, चौहान आपके पास आऊंगा अभी, मुझे तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं भूपेश बघेल। रिनु, ये राजनांद गांव से तस्वीर जहां पर ये लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी, और अभी अपने मतदान केंद्र पर गए हैं या किसी बूथ पर विजिट करने गए, ये क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। क्या उम्मीदें हैं और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पोलिंग बूथ में लंबी लंबी लाइन लगी है और अभी तक के 30-35% तक के पोलिंग नांद गांव में हुआ है, बचे मोहला मानपुर वगैरह तो उससे भी अधिक हो गया है। तो ज़बरदस्त उत्साह है लोगों में, आज शादी ब्याह भी है और गर्मी भी है, इस कारण से सुबह से ही लोग जल्दी निकल गए, लंबी लंबी लाइन सभी पोलिंग बूथों में है। क्या कहेंगे लोगों को आज के वोटिंग? और चर्चा लगातार जारी रहेगी, खबरों से वोटिंग परसेंटेज से आपको